नमस्कार, मैं शिप्रा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ एमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज ही के दिन सन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। आजादी के 28 साल बाद सिक्किम भारत का राज्य बना। भारत चीन के बीच सीमा विवाद अपने चरम पर है। यह वह समय था, भारतीय सेना ने राजमहल को चारों तरफ से घेर रखा था। सेना ने राजमहल पर मौजूद 243 गार्डों पर तुरंत काबू पा लिया और सिक्किम की आजादी का खात्मा हो गया। इसके बाद चोग्याल को उनके महल में ही नजरबंद कर दिया गया। आज ही के दिन बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाने लगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। बौद्धिक संपदा अधिकार मानसिक रचनाएं, कलात्मक और वाणिज्यिक दोनों के संदर्भ में विशेष अधिकारों के समूह हैं, जो रचनात्मक कार्यों जैसे पुस्तकें, फिल्में, संगीत, पेंटिंग, छायाचित्र और सॉफ्टवेयर को संरक्षण प्रदान करता है। आज ही के दिन सन 1987 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, छायाकार और लेखक नितिन बोस का जन्म हुआ। नितिन बोस हिंदी सिनेमा एवं बांग्ला सिनेमा दोनों में समान रूप से विख्यात निर्देशक, कैमरामैन एवं पटकथा लेखक थे। उनका अधिकांश कार्य कोलकाता के न्यू थिएटर्स के साथ हुआ था। सबसे पहले भाग्य चक्र नामक बाडला फिल्म में और फिर उसके हिंदी रूपांतरण धूप छांव में गंगा जमुना उनकी सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म मानी जाती है। इन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन सन 1953 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री मौसमी चटर्जी का जन्म हुआ। मौसमी चटर्जी हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। इनका जन्म कोलकाता में हुआ। हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्में जैसे अंगूर, मंजिल और रोटी कपड़ा और मकान आदि मौसमी ने राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र, संजीव कुमार, विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन जैसे उस समय के दिग्गज कलाकारों के साथ काम भी किया है। उन्होंने अपने जीवन की फिल्मी शुरुआत मात्र 14 साल की उम्र में बांग्ला फिल्म बालिका वधू से की। आज ही के दिन सन 1982 में कवि और आलोचक मलयज का निधन हुआ। मलयज का पूरा नाम भारत जी श्रीवास्तव है। हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, लेखक और आलोचक हैं। मलयज का रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि को पुनर्व्याख्यायित करने में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके कारण हिंदी आलोचना जगत में वे विशेष उल्लेखनीय माने जाते हैं। जख्म पर धूल अपने होने को, हंसते हुए मेरा अकेलापन, आलोचना कविता से साक्षात्कार तक प्रसिद्ध है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 26 अप्रैल दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुख ऐश्वर्य। मेष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 34%। पराक्रम के कारण सफलता हाथ लगेगी, आयुष्य लाभ मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला तथा निषेध रंग लाल व सिंदूरी। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 79%। छात्रों को सफलता प्राप्त होगी, खर्च पर नियंत्रण रखना होगा, कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग गुलाबी व बसंती। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%। आपके द्वारा लिए गए फैसलों के निर्णय आपके पक्ष में ही रहेंगे, पारिवारिक स्तर पर खुशी मिलने के संकेत हैं, कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला व काला। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%। जीवन साथी से कुछ मन मुटाव के योग हैं, धार्मिक व सामाजिक कार्यों में सक्रिय बढ़ेगी, अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग हर प्रकार के सफेद तथा निषेध रंग काला व सिलेटी। सिंह, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48%। कार्यालय की समस्याओं के हल निकलेंगे, किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होने के योग हैं। समय आपके पक्ष में धीरे धीरे आ रहा है, मित्रों के सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78%। घरेलू मोर्चों पर भी परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं, कारोबार में अपेक्षा अनुरूप सफलता प्राप्ति के योग हैं। किसी से भी विवाद करना ठीक नहीं रहेगा, भाग्य में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला व लाल। तुला, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88%। जोखिम के कार्यों में निवेश से बचें, भागीदारी के कार्यों में हानि की संभावना है, कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग पीला व लाल।
वृश्चिक, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%। जीवन में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 49%। पेशेवर और शिक्षा के स्वर पर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। घरेलू समस्याओं से घिरे रहने के योग हैं। भाग्य में परिवर्तन का समय है। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग मस्टर्ड व काला। मकर, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%। नौकरी करने वालों को प्रशंसा मिलेगी। सफल प्राप्ति के योग हैं। नदी या तालाब पर नहाना आपके लिए हितकारी नहीं। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल व पीला। कुंभ, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%। चिंतित रह सकते हैं। अनुकूलता बने रहने के योग हैं। परिवारजनों के साथ किसी छोटे प्रवास पर भी जा सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल व पीला। मीन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%। जरूरी कामों में भी रुकावटें आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। जमीन की खरीदारी इस समय बिल्कुल ना करें। पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग पीला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारियों के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी को 01212666888 या 09837060046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे अधिक जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें IMT मीडिया।